बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कल हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ी थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स क्या है, कहाँ से हमें मिलते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो मेन दो सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो इनऑर्गेनिक का सोर्स होता है वो मिनरल्स वगैरह या कोई और चीज़ होती है, लेकिन हमने ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ा था कि ये जिंदा चीज़ों से रिलेटेड है। तो मेन सोर्स क्या है जी? एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर हम एनिमल्स में आएँ तो एनिमल्स को फर्दर दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एनिमल्स से हमें क्या ऑब्टेन होता है? प्रोटीन्स एंड फैट्स या ऑयल्स। ये प्रोटीन्स और फैट्स या ऑयल भी क्या हैं? बेसिकली क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। अब प्रोटीन्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, यानी वो कौन सी कुदरती अशिया हैं जिनके अंदर नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर प्रोटीन मौजूद होती है? दैट इज़ एग्स, अंडे जो हम खाते हैं, मटन, मटन जो है बकरे के गोश्त को कहते हैं, इसके अलावा चिकन जो मुर्गी का गोश्त होता है, बीफ जो भैंस वगैरह का, जो जिसको हम बड़ा गोश्त कहते हैं उसको कहते हैं, और फिश जो है मछली वगैरह, यानी जितने भी हमारे पास गोश्त हैं, चाहे वो फिश है, बीफ है, चिकन है, मटन है, ये सारे सोर्स हैं किसका? प्रोटीन का। और प्रोटीन बेसिकली क्या है? सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी दूसरे लफ्ज़ों हम कह सकते हैं ये चीज़ें जो हम खाते हैं ये सारी क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह एनिमल से हमें दूसरी कौन सी चीज़ हासिल होती है? फैट्स एंड ऑयल। फैट से में क्या क्या चीज़ आ जाती है? मिल्क, जैसे हम गाय से, भैंस से, हमें बकरी से मिल्क मिलता है। इसके अलावा मिल्क से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? बटर, और इसके अलावा जो चीज़ यानी पनीर वगैरह, यानी ये डेयरी प्रोडक्ट्स, जितनी भी आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मिल्क है, बटर है, चीज़ है, वो सारी के सारी किससे मिलते हैं हमें? फैट्स एंड ऑयल से। और फैट्स एंड ऑयल बेसिकली किस चीज़ का सोर्स है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड के, यानी दूसरे लफ्ज़ों में फैट्स एंड ऑयल भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनसे हमें ये चीज़ें हासिल होती हैं जी। हमने सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एनिमल से हमें दो चीज़ें ऑब्टेन होती हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होती है, प्रोटीन, दूसरे नंबर पर फैट्स। प्रोटीन में क्या क्या चीज़ आ जाती है जी? एग्स, मटन, चिकन, बीफ, फिश। और फैट्स या ऑयल में क्या आ जाता है जी? मिल्क, बटर, चीज़। अब आ जाएंगे दूसरी साइड पे, प्लांट्स वाली साइड। प्लांट्स की को हम फिर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हमारे पास दो तरह के प्लांट्स हैं, लाइव प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स, जिंदा जो प्लांट्स हैं और जो मुर्दा हो चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, उनके बारे में। पहले जो मुर्दा है उनके बारे में पढ़ लें। आज से हज़ारों लाखों साल पहले साइंटिस्ट कहते हैं कि जी ये दुनिया बिल्कुल इसी तरह आबाद थी, फिर किसी बहुत बड़े हादसे के नतीजे में जो कुदरत की तरफ से मुमकिन हुआ, वो सारा निज़ाम तहबाला हो गया, यानी जितने वो लिविंग प्लांट्स थे, इंसान थे, जानवर थे, चिरंद परिंद, वो सारे ज़मीन के नीचे दब गए। हज़ारों करोड़ों साल जो है नीचे दबे रहने से मुख्तलिफ बायोकेमिकल प्रोसेस हुए। कौन से प्रोसेस हुए जी? बायोकेमिकल प्रोसेस के नतीजे में उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बन गई। वो प्रोडक्ट्स क्या हैं जिनको हम, उन प्लांट्स को हम डेड प्लांट्स कहते हैं। उनसे क्या बना जी? कोल, कोयला, ये जो हम घरों में जलाते हैं या इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, कोयला बना उसे। पेट्रोलियम, जो हम गाड़ियों के अंदर पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं, तेल जितने भी हैं, चाहे वो जहाज़ों का तेल है, चाहे वो मोटरसाइकिल में डलने वाला तेल है या कार वाला, वो से बना। और गैस जो हम, ये सुई गैस इसको हम कहते हैं, नेचुरल गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे के जो हैं इनका सोर्स क्या है? डेड प्लांट्स। और डेड प्लांट्स बेसिकली किसका मेन सोर्स है? प्लांट्स से। प्लांट्स फिर किस में आ जाते हैं? सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो हम कह सकते हैं कि जो डेड प्लांट्स हैं उनसे हमें तीन चीज़ें ऑब्टेन होती हैं, नंबर वन कोल, नंबर टू पेट्रोलियम, नंबर थ्री गैस। यानी ये हमारा कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये भी बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपसे कोई पूछे, हाँ जी आपके घर में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आप यूटिलाइज़ करते हैं, यू कैन से इन द किचन वी यूज़ द मीथेन गैस, दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो जो गैस आप इस्तेमाल कर रहे हैं किचन के अंदर, वो बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। अब ये तो थे डेड प्लांट्स। दूसरे हैं जी लाइव प्लांट, यानी जो जिंदा हमारे पास पौधे हैं, उनसे हमें क्या क्या ऑब्टेन होता है? उससे हमें चार चीज़ें हासिल होती हैं, और वो भी बेसिकली क्या है जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। नंबर वन कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर वन कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर टू प्रोटीन्स, नंबर थ्री वाइटामिन्स, एंड नंबर फोर ऑयल्स। अब हम इनकी सब की अलग अलग डिटेल देखेंगे
कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, और अगर गंदम दूसरा प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं या ऑयल्स हैं तो उनका क्या क्या सोर्स है और उससे हमें क्या क्या मिलता है। देखिए जी, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली लाइव प्लांट्स से मिलते हैं और वो प्लांट्स में आ जाते हैं। प्लांट्स बेसिकली क्या है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें जो है वीट, जिसको हम गंदम कहते हैं, तो गंदम भी हमारा क्या है जी, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है। इसके अलावा मेज़, जिसको हम मकई कहते हैं, तो ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। पोटैटोज़, एक टमाटोज होते हैं ये, आलू, ये भी क्या है हमारे पास सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बार्ले, बार्ले कहते हैं जौ को, और राइस यानी चावल, ये सारे बेसिकली किस क्लास में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, और दे आर आल्सो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा प्रोटीन्स आ जाती हैं। प्रोटीन्स में पल्सेस, पल्सेस किसे कहते हैं जी, ये जो दालें वगैरह हम खाते हैं जी, चने की दाल, मसूर की दाल। बीन्स, फलियाँ, ये जैसे मटर की फलियाँ होती हैं या जैसे रवां वगैरह, उसकी जो फलियाँ हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स का सोर्स होती हैं। तो अगर हम जो है ये वाली चीज़ें इस्तेमाल ना कर सकें प्रोटीन के लिए, तो पल्सेस और बीन जो है उसका अल्टरनेट है। सपोज़ अगर आप चिकन फूड या बीफ फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, यू कैन से ईट द पल्सेस आर बीन्स, तो ये वही रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं। बहरहाल हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है जी विटामिंस। विटामिंस में क्या आ जाते हैं जी, एप्पल्स यानी जितने भी आपके फल फ्रूट हैं, एप्पल्स हो गए, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, ये सारे के सारे सोर्सेज हैं विटामिंस के। विटामिन बेसिकली क्या है जी, वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है। चौथे नंबर पे है जी ऑयल्स हैं, जितने भी ऑयल्स हैं वो सारे सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से हैं जी, पाम ऑयल, ये हमारे कंट्री में तो नहीं होता, मलेशिया में बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं ये घी वगैरह बनाने के लिए। ओलिव ऑयल, जिसे हम जो है जैतून का तेल कहते हैं, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल मतलब, और सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी का तेल, ये वाले जितने भी ऑयल्स हैं, जितनी टाइप्स के, ये भी सारे क्या मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बार दोबारा सारे को रिपीट कर लेते हैं, दैट वाज वेरी सिंपल एंड ईजी। बेसिकली जो हमारे पास मेन सोर्स था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेन टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं, कि किससे हमें मिलते हैं, एनिमल से एंड प्लांट से। प्लांट्स में आते हैं, फिर प्लांट्स की दो टाइप्स हैं, डेड प्लांट्स हैं और लाइव प्लांट्स हैं। तो ये जो लिव प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है जी, कोल, पेट्रोलियम गैस। ये डेड प्लांट्स से किस तरह, इसकी केमिस्ट्री क्या है जी, हज़ारों साल पहले जो ज़मीन के ऊपर दरख्त, पौधे, इंसान, जितनी भी मखलूकात थी, सारे दब गए, हज़ारों साल अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे पड़े रहने के बावजूद वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में, पेट्रोलियम में और गैस में। और ये हमारे पास मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जितने भी ये फॉसिल फ्यूल्स भी हम इनको कहते हैं, जो हम गाड़ियों के अंदर ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लाइव प्लांट्स में फिर चार चीज़ें आ जाती हैं जी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, ऑयल्स। ये चारों जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, या विटामिन हो, या ऑयल्स, ये हमारे पास सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स क्या है, किस किस चीज़ से मिलते हैं जी, इसमें वीट यानी गंदम, मेज़, मकई, पोटैटोज, आलू, बार्ले, जौ और राइस यानी चावल। इसी तरह प्रोटीन का सोर्स क्या है जी, पल्सेस यानी दालें वगैरह, और बीन्स, फलियां वगैरह। इसी तरह विटामिंस में का सोर्स क्या है जी, जितने भी हमारे फल हैं, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है यानी सेब, माल्टे और केले वगैरह। इसी तरह ऑयल भी सोर्स हैं किसका, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यानी इससे हम किससे मिलते हैं, हमें ये पाम ऑयल है, ओलिव ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, पीनट है, सनफ्लावर, सारे के सारे बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और ये हमें प्लांट से हासिल होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हम एनिमल्स में देखते हैं, तो एनिमल्स को फिर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। इसमें क्या है जी, प्रोटीन्स आ जाती हैं और फैट्स और ऑयल। प्रोटीन हमें किस किस से मिलती हैं, एग्ज, मटन, चिकन, बीफ एंड फिश से। इसी तरह जो फैट्स एंड ऑयल हैं, उसका सोर्स क्या है, हमारे पास मिल्क है, बटर है, चीज़ है।